तो बेटा इस क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो मॉर्फोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं. तो मॉर्फोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं. किसको स्टडी करते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब जिस स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, हम टिश्यूज को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की हम स्टडी करना चाहते हैं. तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी भी प्लांट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फॉर्म को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी. अब हमें मॉर्फोलॉजी सभी प्लांट्स की नहीं पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी हमें सिर्फ पढ़नी है फ्लावरिंग प्लांट्स की. और फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट. कौन से प्लांट है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ठीक है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की हमें क्या करनी है बेटा, हमें स्टडी करनी है. अब क्वेश्चन आता है कि इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे. तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स आर करेक्टराइज्ड बाय, प्लांट्स आर करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स, प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. मतलब कोई भी प्लांट किससे कैरेक्टराइज होता है, इसमें रूट की प्रेजेंस, मतलब हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, रूट्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके कैरेक्टर, रूट्स की डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशन, सेम स्टेम के केस में, लीव्स के केस में, फ्लावर और फ्रूट. तो एक तो हमें इन सभी पार्ट्स को स्टडी करना है, रूट को, स्टेम को, लीव्स को, फ्लावर्स को एंड फ्रूट को. दूसरी चीज हमें क्या करनी है, फ्लावर को फिर डिटेल में पढ़ना है, फ्लावरिंग पार्ट्स को, और उसके बेसिस पर हमें फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम हमें स्टडी करना है. लास्ट में हम फैमिली स्टडी करेंगे इस चैप्टर के एंड में. इन सबको स्टडी करने के बाद फैमिली दी है एनसीईआरटी ने, आपकी फैबेसी फैमिली, ठीक है, सोलेनेसी फैमिली और लिलिएसी फैमिली, तीन की कंप्लीट डिटेल दी है और ब्रासिकेसी का भी डायग्राम दिया है, वो भी हम करेंगे. ठीक है, तो और एक कंपोजिटिव फैमिली भी मैं आपको कराऊंगी. पांच फैमिली हम टोटल स्टडी करेंगे, तीन बहुत डिटेल में करनी है, आपकी एनसीईआरटी ने भी दी है, और दो और आपको मैं एडिशनल कराऊंगी. ठीक है, तो ये चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, पहले तो इनके नॉर्मल केसेस पढ़ेंगे, फिर हम इनके मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, फिर हम फ्लावर और फ्रूट पढ़ेंगे. ठीक है, अलग अलग टाइप के फ्लावर क्या है, प्लांट पे फ्लावर की अरेंजमेंट क्या है, ये हम स्टडी करने वाले. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जिसपे क्वेश्चन बनता है? फैमिली. इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन, इनफ्लोरेसेंस, फिलोटैक्सी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ, सिर्फ मॉडिफिकेशन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ. एनसीईआरटी में भी आपको अलग से मिल जाएंगी, मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम एंड मॉडिफाइड लीफ. ठीक है, तो ये टॉपिक इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप चाहें तो इन टॉपिक्स को मार्क कर सकते हैं एनसीईआरटी में, ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं रूट से. सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम चल रहे हैं, रूट्स का पार्ट हम स्टार्ट करें. तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट.
कोई भी पार्ट जब हम स्टडी करेंगे ना बेटा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे उसके बेसिक कैरेक्टर। उसके बेसिक कैरेक्टर क्या है, फिर हम पढ़ेंगे उसकी स्ट्रक्चर, और फिर हम पढ़ेंगे उसकी मॉडिफिकेशन। चाहे आप रूट पढ़ रहे हो या स्टेम पढ़ लो, ये तीन चीजें मेनली हमें पढ़नी है। इसके अलावा कुछ एडिशनल किसी टॉपिक में होता है तो वो अलग बात है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूट्स के कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी रूट में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्लांट का रूट पार्ट है, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि नॉर्मली जो रूट्स होती है ना बेटा, इट कॉन्स्टिट्यूट द डिसेंडिंग और अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। भाई सबसे कॉमनली तो हम यही सोचते हैं कि प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट है वो क्या होगा, रूट होगा। हालांकि अंडरग्राउंड स्टेम भी हमें देखने को मिलती है, तो वो फिर हम फर्दर कैरेक्टर्स के बेसिस पर उनको डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन सबसे पहले नॉर्मली तो हम क्या कहते हैं कि रूट क्या है, ये प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट बनाते हैं, मोस्टली ऐसा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि रूट्स जो होते हैं वो जनरली नॉन ग्रीन होती है, लेकिन हम कुछ रूट्स पढ़ेंगे जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो एक्सेप्शन में आती है। जनरली रूट्स कैसी होती है, नॉन ग्रीन। मोस्टली हमें रूट्स की सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है? तीसरा क्या है, जब आप स्टेम पढ़ते हो ना बेटा, तो स्टेम के केस में तो आपको नोड और इंटरनोड देखने को मिलते हैं। ये नोड है जहां से कोई भी अपेंडेज अराइज होती है, जैसे बड अराइज होती है या ब्रांच अराइज होती है या फ्लावर अराइज होता है, और दो नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इंटरनोड। लेकिन स्टेम में तो ऐसा होता है, हमें नोड और इंटरनोड दिखाई देते हैं, लेकिन यहां पे देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स एंड इंटरनोड्स के बीच में कोई डिस्टिंक्शन आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है? अब स्टेम में तो क्या होता है, नोड्स के ऊपर आपकी बड्स प्रेजेंट होती है या लीव्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रूट्स के केस में बड्स और लीव्स यूजुअली एब्सेंट होती है। हालांकि कुछ केसेस में, कुछ रूट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए एडवेंटिशियस बड्स हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन वो एक्सेप्शंस में आते हैं। लीफ या बर्ड्स इस तरीके की स्ट्रक्चर नॉर्मली हमें रूट में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कुछ के अंदर हमें एडवेंटिशियस बर्ड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उनका पर्पस क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करना, जैसे कि स्वीट पोटैटो के केस में हमें देखने को मिला। एक और चीज ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है, रूट के अंदर जब भी कोई ब्रांच निकलती है ना बेटा, तो उस ब्रांच का ओरिजिन होता है एंडोजीनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेनली हमारी हेल्प करता है रूट को आइडेंटिफाई करने। एंडोजीनस का मतलब क्या है, जैसे आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, आउटर मोस्ट लेयर रूट की होती है एपिब्लीमा, फिर कुछ लेयर होती है कॉर्टेक्स की, फिर होती है एंडोडर्मिस, फिर होती है पेरिसाइकल। तो स्टेम में तो क्या होता है, कोई भी ब्रांच निकलती है वो सरफेस से निकलेगी, उसका एंडोजीनस ओरिजिन नहीं होता है, एक्सोजीनस होता है। लेकिन रूट के केस में कोई भी ब्रांच निकलती है ना, तो वो पेरिसाइकल से निकलती है। किससे निकलती है, पेरिसाइकल से। तो उसका ओरिजिन कैसा है, एंडोजीनस ओरिजिन है, ठीक है? दैट मीन्स ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द इंटीरियर, यूजुअली पेरिसाइकल से अराइज होती है, ठीक है? जबकि स्टेम ब्रांचेस जो होती है वो एक्सोजीनस ओरिजिन शो करती है। कैसा ओरिजिन शो करती है, एक्सोजीनस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हम रूट को देखें तो इनका जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वो सब टर्मिनल होता है। ग्रोइंग पॉइंट ये है जो ग्रो करेगा, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो डिविजन करते हैं। सब टर्मिनल क्या है, टर्मिनल से पीछे वाली पोजीशन पे, टिप पे नहीं होगा, जबकि शूट में वो टिप पे होता है।
टिप पे क्यों नहीं है? क्योंकि इनके टिप कवर्ड होती है रूट कैप से, तो टिप के ऊपर तो रूट कैप होती है, उसके नीचे आपका ग्रोइंग रीजन होता है, ठीक है? तो ग्रोइंग पॉइंट सब टर्मिनल होता है बिकॉज इट इज कवर्ड बाई रूट कैप, इसलिए इनके केस में टर्मिनल बड भी एबसेंट होती है। हालांकि जो रूट्स होती है या तो वो न्यूट्रल होती है या फिर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, सॉरी नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ध्यान देना, रूट्स को हम क्या कहते हैं? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, या फिर हम कहते हैं बेटा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव का मतलब होता है टूवर्ड्स, जियोट्रॉपिक मतलब अर्थ के क्रस्ट की तरफ ट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है, जबकि नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब अवे फ्रॉम लाइट, क्योंकि वो अंडरग्राउंड पार्ट की तरफ ग्रो करती है तो लाइट से अवे ग्रो करती है, ठीक है? और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती है, कैसी होती है? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मतलब जिस तरफ वाटर अवेलेबल होगा उस तरफ ग्रो करेगी, ठीक है? मेन रूट हमेशा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगी, सेकेंडरी और टर्सरी रिप पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक नहीं होती है। सेकेंडरी रिप्स लेटरल डायरेक्शन में ग्रो करती है और टर्सरी मल्टीपल डायरेक्शंस में ग्रो करती है, लेकिन मेन रूट मेनली कैसी होती है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये था बेसिक इनके बारे में। कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल रूट, इस डायग्राम को हम दोबारा डिस्कस करेंगे कि एक टिपिकल रूट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये हम कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।